मुझे पता था एक दिन ये होगा, पर इसके लिए मैं खुद को तैयार नहीं होने देना चाहती थी, चाहता था। खैर क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वो हूं ना। मेरी जिंदगी में बस एक ही चीज अच्छी हुई है कि मेरा जन्मदिन गर्मियों की छुट्टियों में आता है। तब हम दादी के घर जाते थे, दादाजी मास्टर थे तो दादी स्कूल में ही रहती थी। माँ बाप का प्यार कभी मिला नहीं था क्योंकि मैं तो वो हूं ना। एक बार जन्मदिन पर हम गांव में थे तो मेरा मन था कि मैं परी बनूं। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे परी वाली ड्रेस चाहिए। पापा ने कहा, अबे तू क्या करेगा परी वाली ड्रेस का, तू लड़का है? मैंने कहा, नहीं नहीं पापा मैं भी लड़की हूं। तो पापा ने मारा। पर दादी ना, दादी सुपर वुमन है, दादी मुझसे बहुत प्यार करती है, दादी कुछ भी कर सकती है। दादी रातों रात पता नहीं कहां से परी वाली ड्रेस ले आई और मुझे अगले दिन परी बना दिया। दादी के हाथों में जादू है। पर दादी के पास एक बक्सा था, मुझे लगता था कि वही खजाना है, पर दादी उसे मुझे कभी हाथ नहीं लगाने देती थी। पर दादी सुपर वुमन है, दादी कुछ भी कर सकती है। मेरे माँ बाप के लिए शायद मेरा कोई वजूद ही नहीं बचा था, और वो मुझे कुछ खास पसंद भी नहीं करते थे। पर अब जो मेरा ये मॉडर्न रूप देखते हैं, ये मेरी दादी की देन है। मुझे जीन्स पहनना, मॉडर्न तरीके से रहना, सब कुछ उन्होंने सिखाया। दादी पापा से पुरानी थी उम्र में, लेकिन ख्यालों में पापा से नहीं थी। शायद इसलिए वो मेरे सबसे ज्यादा करीब थी, क्योंकि वो मुझे वो होने देना चाहती थी जो मैं होना चाहती थी, चाहता था। खैर क्या ही फर्क पड़ता है, मैं तो वो हूं ना। मेरी जीन्स, मेरी कुर्ती, सब दादी को पसंद था। मेरी हेयर स्टाइल, मेरी हंसी भी दादी को प्यारी थी। समाज और परिवार जितना मुझे रुलाता, दादी उतना ही मुझे हंसाती थी। दादी शायद मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और हाँ इकलौती तो थी, कोई और तो था नहीं। एक बार खाना बनाते वक्त दादी ने मुझसे कहा कि यार तुझे तो प्याज काटना भी नहीं आता, खैर खाना बनाना सीख ले, नहीं तो क्या दादी शादी नहीं होगी, वो तो वैसे भी नहीं होगी, मैं तो वो हूं ना। दादी आज आंगन में ही लेटी हुई थी, पापा पास में बैठे थे। आज दादी को कोई उठा नहीं सकता था, न मेरे पापा की डांट, न मेरी माँ की किटकिट, माँ तो कहती नहीं है, और न ही मेरी हंसी। दादी बस बुत बनकर लेट गई थी। मन किया कि मैं भी रो दूं, पर शायद आंखों से आंसू निकलते नहीं, और नकली होना मैंने दादी से कभी सीखा ही नहीं। नकली होती तो भी किसके सामने, पापा के सामने। खैर क्या फर्क पड़ता है, मैं तो वो हूँ। पर मेरा मन था कि दादी के कमरे में जाऊं। दादी अब तक जिस खजाने को मुझसे दूर रखती थी, आज मैं इसको खोलकर देखना चाहती थी। आखिर उस संदूक में ऐसा क्या था जो दादी मुझसे छुपाती थी। जैसे ही मैंने संदूक खोला तो बहुत साधारण लेकिन बहुत असाधारण चीजें थी। खिलौना था एक, चिट्ठी लिखी थी साथ में, चिंटू का पहला खिलौना, चिंटू मेरा छोटा भाई। एक शेरवानी थी, उसके भी साथ में चिट्ठी लिखी थी, लिखा था इनके सुहागरात वाली शेरवानी। और एक सफेद
कपड़ा पड़ा था, सैटिन टाइप लग रहा था। लिखा था कि इनका दिया पहला तोहफा। उस वक्त, उस पल मैं पूरी तरह बिखर गई थी, क्योंकि ये तोहफा वही था जो साड़ी दादी ने रातों रात मुझे परी बनाने के लिए बिखेर दी थी। उस वक्त मैं रोई, रोया, क्या फर्क पड़ता है, मैं तो बहू ना, मैं तो बहू।